फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिंसेस किचन। आज हम सीजनल फ्रूट मैंगो से एक डेजर्ट बनाएंगे, वो है मैंगो मूस, और जिसको बनाने में सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। तो चलिए किचन में आइए, अब हम देखते हैं हमको मैंगो मूस बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है। ये मैंने लिया है कंडेंस्ड मिल्क, मैंने ये अमूल मिठाई में लिया है, आप कोई भी कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। एक मैंगो मैंने काट के रखा है यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में, और ये लिया है मैंने क्रीम, फ्रेश क्रीम लिया है मैंने, ये भी अमूल का मैंने फ्रेश क्रीम लिया है। आपको जो क्रीम आपके पास अवेलेबल है फ्रेश क्रीम ले लीजिए, वो मैंने लिया है 250 ml लिया है मैंने ये। अब मैं इस मैंगो को मिक्सर में डाल के ग्राइंड करके एक पेस्ट जैसा बना लूँगी। ये देखिए, ऐसा मैंने इसको पेस्ट बना लिया है। इसमें पानी नहीं डालना है, सिर्फ मैंगो को हमको मिक्सर में ग्राइंड करके ऐसा एक फाइन पेस्ट बना लेना है। पहले मैं ये क्रीम ले लेती हूँ, फ्रेश क्रीम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। इसको हमको व्हिप करना है, इसको सॉफ्ट पीक, एकदम सॉफ्ट पीक भी नहीं लेकिन स्मूथ होने तक हमको इसको व्हिप करना पड़ेगा। 10-15 मिनट लगेगा इसको व्हिप करने के लिए। अभी इसको, इस क्रीम को व्हिप करने के लिए ये थोड़ा टाइम लगता है, तो हम इसके लिए एक ट्रिक करते हैं। इस बर्तन में मैंने आइस लिया है, इस आइस के ऊपर जब हम इसको रखते हैं तो ये आसानी से थोड़ा जल्दी व्हिप हो जाएगा, बिकॉज वो नीचे भी चिल्ड है, एकदम ठंडा होगा, तो उस ठंडे के कारण ये जल्दी से क्रीमी बन जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, एक 10 मिनट में ये क्रीमी हो जाएगा। ये देखिए कितना लिक्विड था, पहले हमने इस कंसिस्टेंसी तक इसको बीट कर लिया। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल बीटर है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम हैंड विस्क से इस तरह से इसको बीट कर सकते हैं। बस थोड़ा उसको हमको स्मूथ टेक्सचर देना है। 10 टू 15 मिनट्स आप बीट करिए तो ये एकदम स्मूथ टेक्सचर आपको मिल जाएगा। ये मैंने अनस्वीटेंड क्रीम लिया है, इसमें मीठा कुछ नहीं है क्रीम में, इसलिए मैं कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ। अगर आप स्वीट क्रीम लेते हैं तो आपको कंडेंस्ड मिल्क की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंडेंस्ड मिल्क या शुगर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब इसमें मैं ये कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर लेती हूँ। आप अपने स्वीट के हिसाब से, कितना आपको स्वीट चाहिए उस हिसाब से आप इस कंडेंस मिल्क को ऐड कर सकते हैं, बिकॉज मैंगोज भी हम डाल रहे हैं, मैंगो पल्प भी हमारे पास है, वो भी काफ़ी मीठा होता है, तो आपको जितना मीठा चाहिए उतना, अगर आपको मीठा कम लग रहा है तो आप और मीठा इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें अब मैं ये पल्प ऐड करूंगी, मैंगो पल्प। इसको हमको धीरे धीरे 2-2 स्पून डाल के इसको मिक्स करना है, एक साथ पूरा डाल के मिक्स नहीं करना, हमको धीरे धीरे इसको मिक्स करना है, इस तरह से धीरे धीरे इसको मिक्स करना है। एक साथ पूरा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करिएगा। देखिए ये कैसा, कितना अच्छा, कितना प्यारा कलर है, देखिए एकदम पूरा मैंगो पल्प इसमें मिक्स हो चुके हैं, और ये बहुत ही प्यारा कंसिस्टेंसी, ऐसा कंसिस्टेंसी होना चाहिए मूस के लिए। ये देखिए ऐसा, इस तरह से होना चाहिए। इस टाइम पे भी आप स्वीट चेक कर सकते हैं, अगर आपको मीठा लग रहा है तो आप और थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको ग्लास में ट्रांसफर करेंगे। देखिए यम्मी मैंगो मूस रेडी। इसको आप फ्रिज में 1 से 2 घंटे तक रख दीजिएगा सेट होने के लिए, उसके बाद आप निकाल के सर्व कर सकते हैं, और ऐसे भी अगर खाना है तो आप खा सकते हैं, मगर सेट होने के बाद उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अपने ग्लास को आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने थोड़ा चॉकलेट सॉस से डेकोरेट किया है, और मैंगो पल्प से डेकोरेट किया है, और इसको मैंने ऐसे प्लेन ही रहने दिया है, तो ये आपकी मर्जी है, आप जैसा भी डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए ये मैंगो मूस, देखिए कितना टेम्प्ट हो रहा है, ऐसा बना है मैंगो मूस। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने अभी फ्रिज से निकाल दिया है, 2 घंटे हो गए हैं,
अब इसको मैं टेस्ट करके देखती हूँ। बहुत ही क्रीमी बना है, एकदम मुंह में डालते ही मेल्ट हो रहा है, इतना टेस्टी है। ये हमको सिर्फ तीन ही आइटम से इतना अच्छा डेजर्ट बना सकते हैं हम घर में। आप ही ट्राई करके देखिए, अगर आपको पसंद आया है ये रेसिपी, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप उसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों को बना के दीजिए, बच्चे बहुत अच्छे से इसको लाइक करके खाएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।